सच्चे दरबार की बोलिए श्याम प्यारे की। क्षमा चाहते हैं प्रेमियों, आज एक्सट्रीम लेट हुआ है। आज 30 किलोमीटर की यात्रा बहुत कठिन थी। फिर भी श्री इस जगह के सरिया गिरिडीह जहां जहां से भी श्याम प्रेमी यहाँ पर इकट्ठे हुए और आप लोगों ने जो व्यवस्था की है उसके लिए थैंक्स तो क्या बोलूँ मैं। बाबा ये प्यार यूं ही बरसता रहे और ये श्याम परिवार यूं ही मजबूत होता रहे। मुझे एक चीज इस यात्रा से और महसूस हुई कि जिन जिन जगहों पर मैं कीर्तन करने नहीं पहुंच पाया था, कम से कम इन 5 स्टेट के अंदर में से जो यात्रा जा रही है, बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी और राजस्थान, इन 5 स्टेट में से बहुत से ऐसे श्याम बाबा की संस्थाएं हैं जहां पर हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन यात्रा के माध्यम से उन लोगों का आशीर्वाद मिलने का मौका मिल रहा है। ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। श्याम परिवार बड़ा हो रहा है, श्याम जगत बड़ा हो रहा है। आइए प्रेमियों, इस गांव में रोज रोज कीर्तन तो नहीं होता, श्याम साक्षात आया है। खाटू से बाबा कलकत्ता आया और कलकत्ता से फिर खाटू बाबा जा रहे हैं। हमारा तो सौभाग्य है कि आपके दर्शन हम लोगों को हो रहे हैं, लेकिन आप अपने भाग्य को बहुत बड़ा मानना कि आपको बाबा के दर्शन हो रहे हैं। अपने और आप, अपने और बाबा के बीच में किसी को लेकर आओगे ना तो रह जाओगे। आज बातें करो तो सिर्फ बाबा से करो, क्योंकि सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक बाबा आपके साथ यहाँ पर रहेंगे। बाबा की सवारी, बाबा का रथ रहेगा। 8:30 बजे प्रस्थान कर जाएंगे। कीर्तन अभी 2-3 भजन यहाँ पर और होंगे। और कीर्तन श्याम से मिलन का एकमात्र साधन है जो मैंने महसूस किया। मिलकर कीर्तन कीजिए मेरे साथ। आइए, बहुत पुराना भजन। ये मेरी हकीकत प्रभु क्या नाम गुजारी हूँ, जिंदगी दाम पे रख दी। प्रभु ऐसा जुआरी हूँ, चरणों का पुजारी हूँ। सुनो, जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं बहुत बड़ा बेड़ा उठा लिया आपने। हम हंसते, हमारा पूरा परिवार इसने उठा कर रखा है। पर बीड़े की बात बताऊं, हर एक पड़ाव पर जब बाबा का रथ रुकता है ना, जिस किसी भी पड़ाव से, बस भैया मत करो, अरे आराम से गिर जाएंगे आप। अपनी तो इतनी औकात भी नहीं कि बाबा को डायरेक्ट बोल दे कि बाबा कलकत्ते से खाटू पैदल बुला लेना। हम क्यों बेड़ा उठाएंगे? यहां से चलेंगे, अगले 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पर जो पड़ाव होगा, बस उतनी सी दूरी के लिए बाबा कहते हैं, बाबा अगले पड़ाव तक पैदल ले जाना बाबा। और वहां पहुंचते हैं तो सिर झुकाकर कहते हैं, बाबा कृपा आपकी, आपने पैदल बुला लिया। और फिर वहां से चालू होते हैं तो फिर अगला पड़ाव, चाहे 1 किलोमीटर हो चाहे 2 किलोमीटर, ये कहते हैं बाबा अगले पड़ाव तक बुला लिया। क्योंकि इतनी औकात नहीं, इतना लंबा डिमांड करते बाबा से। चल रहे हैं तो इनकी कृपा से, और पहुंचेंगे तो इनकी कृपा से। और सिर्फ यहाँ से खाटू जाने का नहीं है, जितने भी श्याम प्रेमी हैं, जो श्याम प्रेमी है, उनकी गाड़ी, उनका जहाज, उनकी फ्लाइट, जो कुछ भी चलती है ना, तो इनकी मर्जी से ही चलती है। अपने तो भाव यही रहना चाहिए। मिलकर सारे तालियां बजाकर बोलेंगे, चरणों का पुजारी हूँ। जाते हैं ना तो बस आपका बाहें फैलाओ, नहीं बाहें फैला कर किसका किसका ध्यान भजन में था, हाथों को उठा लेना। यही गा रहा श्याम प्यारे की। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पर बहुत से नए चेहरे हैं, खाटू कौन कौन गया है? जो खाटू गए वो हाथ उठाना। अच्छा नीचे कर लो, जो कभी खाटू नहीं गया वो एक बार हाथ उठाना, जो कभी खाटू नहीं गया। आप तो जा रहे हो? हाँ जा रहे हो। 1 2 3 4 5। शर्म क्यों कर रहे? जो नहीं गए खाटू एक बार उठाओ। 7 8 10 हाथ उठे। कहाँ रहते हो? यही क्या प्रॉब्लम? उनके कीर्तन में कभी नहीं गए, पहली बार कीर्तन में आए। श्याम बाबा का नाम पहले सुना है? यहाँ पे किसी को जानते हो आप? सरिया वाले इतने बैठे हैं, जानते हो? सबको जानता हूँ। है? सबको जानता हूँ। तो पकड़ लो किसी का हाथ। सुनो, कब जाते हो आप? हागड़ में कब जा रहे हो? 12 मार्च। और आओगे कब? आठ दिन दोगे? नहीं सोच समझ के बोलना। 8 दिन दे दोगे? 12 तारीख को इनके साथ नाम लिखवा लो, ले जाना भैया। 8 दिन खर्च कर दो, उसके बाद जिंदगी भर आपके खर्चे की जिम्मेवारी बाबा लेगा। ये नहीं कहता कि आपके पास नहीं है कुछ, भगवान की दया से बहुत कुछ होगा आपके पास, लेकिन जो चिंता अगर कुछ होगी तो उस चिंता का निवारण ये करेगा। पहली बार जो इसके दरबार में जाता है कुछ मत कहिएगा, वहां इनके साथ नाचते कूदते जाइएगा मंदिर में और बाबा को बोलेगा बाबा मैं आ गया आपके दरबार में, बस आप जानो और आपका नाम जाने। और कहना बाबा अपने परिवार में मुझे आज से शामिल कर लेना। वहां से आओगे ना, दुनिया हीरे मोती लेकर आती है, बोलते हीरे मोती मिलते हैं हर जगह, लेकिन शाम के दरबार में कॉन्फिडेंस मिलता है, विश्वास मिलता है। वहां से आने वाला कितना ही परेशान क्यों ना हो, उसका विश्वास ही मजबूत हो जाता कि मेरा बाप मेरे सिर पर खड़ा है, परेशानी आ सकती है, परेशानी आ सकती है लेकिन मिटा नहीं सकती है ना। अब की बात 12 से 20 लॉक कर देना। कितना ही बड़ा से बड़ा कारोबार आ जाए, मैं गारंटी देता हूं आपको, सबको भूलकर चले जाना, फिर अपनी बैलेंस शीट उठाकर अगले फागड़े के पहले देख लेना क्या बाबा करता है। पर वहां से आने के बाद पता है आप इनको टटोलने लग जाओगे, फागुन से पहले भैया खाटू जा रहे हो क्या? बहुत से लोग हर महीने भी आते हैं यहाँ से, है ना? ये लोग हैं हर महीने वाले, बहुत से लोग यहाँ पर हैं, ये भाई बैठा है यहाँ पर। और फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे बाबा को पता है? एहसान बहुत बा तेरे तेरे दास को बस यही कहना है, हैं सारे तेरे, तेरे दास को बस यही कहना है मुझे अपनी शरण में रख लो जी, मुझे सेवा में तेरी रहना है। एहसास बहुत बड़ा तेरे, तेरे दास को बस यही कहना है मुझे अपनी शरण में रख लो जी, मुझे सेवा में तेरी रहना है। एहसान बहुत बड़ा तेरे। ये 35 mm लाइव चल रहा है, ये उसकी फोटो लेगा तो कुछ नहीं। आज बहुत लेट हो गई, सचमुच बताऊं खड़े होने की हिम्मत भी नहीं हो रही, लेकिन आपने जो दिल से दो भजन सुनाए इसलिए एक भजन और, वरना नीचे से यही सोचकर आया था कि बाबा का दरबार लगा है, हाजिरी लग जाए, एक भजन की हाजिरी लग जाए। फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते दो मन में आया और आपकी जो तालियां बजी, हाँ, इसलिए एक भजन, एक पुष्प आखिरी बाबा के चरणों में। और आपको एक निवेदन और करता हूँ, यहाँ से कल कोई 20 बोलता है, कोई 22 बोलता है, पता तो हमें तब चलता है जब हम चलते हैं, चलता ही छे जो बासुकीनाथ दरबार में, देवघर दरबार में बोलते हैं वो चलता ही छे। बार बार मैं लोगों को देखता, अरे भाई साहब दो चार लोगों से तो मेरे को एकदम वो हो गया, देखता ही नहीं इनकी तरफ, ये बोलते इधर मैं भाई साहब आप रहने दो। लेकिन 20 से 25 किलोमीटर के अंतर में बगोदर है, बगोदर में कल बाबा का यही रोज 71 दिन तक रोज इसी तरह खड़ा लगेगा बाबा का, जितनी देर महाराज की मर्जी हो उतनी देर कीर्तन होगा। परसों की विशेष बात बताता हूँ, जो खाटू जा रहे हैं उनको तो मैं क्या बोलूँगा, लेकिन परसों 11 है, बहुत बड़ी 11 और बरकट्टा में सूरज कुंड के पास में ऐतिहासिक जगह, जब हम लोग रेकी करने आए थे तो देखा था, परसों फिर मौका मिलेगा, ऐतिहासिक जगह मेला लगा है, लेकिन बाबा का कीर्तन मेले में और आनंद आएगा और भी प्रेमी बनेंगे, शाम प्रेमी। परसों 11 को शाम को जरूर वहाँ पर पहुँचना हो बरकट्टा, आप सबको खुला निमंत्रण, बरकट्टा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से टोटल 50, 52, 55 जो भी हो आना, जरूर बाबा से मुलाकात होगी। और कोशिश यही रहेगी, कोशिश करेंगे कि आपको खाटू वाले श्याम बाबा के दर्शन भी बरकट्टा में कराएं, कोशिश रहेगी। खाटू में 11 में एक ऐसा माहौल है, कोशिश रहेगी 35 mm और महाराज की कृपा रही तो आपको बाबा के दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। आइए एक भजन, ये दरबार में बैठे बाहर देखो, आज हर आदमी परेशान है, जिसके पास कुछ नहीं है वो तो है ही, और जिसके पास बहुत कुछ है वो भी परेशान है। मोदी जी कारण नहीं है खाली, ये मत समझना मोदी जी के कारण परेशान है ना, हर आदमी परेशान है। इसलिए आइए एक भजन, क्या पता इस भजन को, ये पुकार है, ये पुकार है दर्द वाली, क्या पता दर्द यहाँ से छलक जाए, यहाँ से छलक जाए, और अगर दिल से छलक गया ना तो पुकार कबूल हो जाएगी और काम बन जाएगा। बोल साचे दरबार की जय। नैया है मजदा सी करते इनका मुझे ये भेद बता जाओ। हाथ उठा लेना, पुकार सुनवाई होगी। होली ले असवार दयालू, लगा जावो होली ले आसमान लालू जल्दी आ जा। पर साँचे 2 मिनट रुक जाइए, कोई मत जाइए। आइए देखिए, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। 1 मिनट, इतनी आप लोगों ने बाबा की सेवा की, बाबा का मान किया, सम्मान किया। श्याम कला भवन हमेशा आभारी रहेगा। गिरिडीह श्याम मित्र से श्याम सेवा मंडल गिरिडीह का और इसरी में श्री महेश जी डागा का हम कुछ नहीं कर सकते। आपने जो किया है उसके एवज में हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं महेश जी से निवेदन करूंगा कि पहले वो दरबार में आए। श्री राजीव जी काबरा बाबा का एक शॉल उड़ाकर और बाबा का प्रतीक चिन्ह प्रदान करके और मैं श्री श्याम सेवा मंडल गिरिडीह से भी निवेदन करूंगा कि कृपया वो दरबार में संजय मित्तल जी आ जाएंगे, है ना। ये नहीं, ये अपॉर्चुनिटी, लेकिन फॉर्चुनेटली ये भी संजय मित्तल ही हैं। प्लीज आइए। मैं निवेदन करूंगा हमारे मामा जी से, एक बार मामा जी एक बार दरबार में आइए। हालांकि आप इस उम्र में भी चल रहे हैं, आपको कष्ट दे रहा हूं, लेकिन आप बुजुर्ग हैं। हम इधर से इधर से संजय भैया का पूरे मंडल की तरफ से और पूरे मंडल को हमारे मंडल के वरिष्ठतम सदस्य मामा जी शॉल उठाकर स्वागत कर रहे हैं। मामा जी इधर घूम के फोटो। और मोमेंटो देकर, प्रतीक चिन्ह देकर गौतम फिर से मैं आपने जो किया उसके लिए श्री श्याम कला भवन हमेशा आपको याद रखेगा कि आप लोगों ने बाबा के प्रति जो भाव दिखाए और आपने महेश भैया जी आप लोगों ने जो यहाँ पर 6 महीने पहले भी मैं आया था और 6 महीने पहले इस जगह को देखा, आपने 1 मिनट के अंदर में हाँ करी और ये पूरी व्यवस्था। लायंस क्लब का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्याम भक्तों का बहुत बहुत आभार। कल भगवान जरूर पहुँचे, परसों मत भूलिएगा। 11 के दिन परसों बरकट्टा जरूर पहुँचिएगा। बड़ी 11 है, जरूर पहुँचिएगा। सूरज को